वेलकम टू आरएमसी पटना। आरएमसी पटना में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग सेट नंबर 2 का डिस्कशन करते हैं। विच फंक्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन एमएस वर्ड। हम लोग किस फंक्शन के द्वारा एमएस वर्ड में न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, तो हम लोग करते हैं न्यू फंक्शन के द्वारा न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह इज द शॉर्ट कोड फॉर एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जैसे एक्स का पावर 2 लिखते हैं, तो वहाँ पे 2 जो पावर है वो सुपर स्क्रिप्ट है, तो हम लोग करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस बराबर का यूज करते हैं, तो इसके सुपर स्क्रिप्ट को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू मेल मर्ज लिस्ट इन एमएस वर्ड 2016। हम लोग किस स्टेप के द्वारा नया मेल मर्ज क्रिएट करते हैं एमएस वर्ड 2016 में, तो हम लोग पहले जाते हैं मेलिंग टैब में, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद टाइप न्यू लिस्ट। चलिए चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पेज ब्रेक। कौन सा जो है पेज ब्रेक का पार्ट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेस्ट रैपिंग जो है टेस्ट पेज ब्रेक का पार्ट नहीं है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, टू चेक आवर कंप्यूटर इज वर्किंग स्लो। हम लोग अपना कंप्यूटर चेक कर सकते हैं स्लो चल रहा है प्रोसेस, यूजिंग हाई अमाउंट ऑफ रैम एंड एंडिंग द टास्क वी नीड, तो हम लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोगों को टास्क मैनेजर में जाके देखना पड़ेगा। छः नंबर क्वेश्चन है, IBM 360 इज अ टाइप ऑफ। IBM 360 क्या था, ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए सात नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द डिफॉल्ट लोकेशन फॉर इंस्टॉलेशन डायरेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इन विंडोज सेवन, हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सॉफ्टवेयर कहाँ सेव होता है, ये होता है सी ड्राइव के प्रोग्राम फाइल में। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड यूजिंग डिलीट टैब इन होम मेनू। डिलीट टैब के होम मेनू में कौन सा फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं करता है, ये है डिलीट फाइल। डिलीट फाइल का परफॉर्मेंस नहीं होता है होम टैब के अंतर्गत। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है, विथ रिस्पेक्ट टू मेल मर्ज, मेल मर्ज के रिस्पेक्ट में कैन वी यूज अ मर्ज फाइल इन सब्जेक्ट बॉक्स ऑफ एन ईमेल मैसेज। तो यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा यस, वी कैन ओनली टाइप टेक्स्ट इन द सब्जेक्ट बॉक्स ऑफ एन ईमेल मैसेज, इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर इज यूज्ड टू कन्वर्ट। कंपाइलर क्या चीज़ को कन्वर्ट करता है, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेज साइज इन पेज लेआउट टैब। बोला कि कौन सा पेज का वैलिड टाइप नहीं है, तो यहाँ पे लैंडस्केप जो है पेज का वैलिड टाइप नहीं है, क्योंकि लैंडस्केप जो है पेज का ओरिएंटेशन है। पेज के ओरिएंटेशन 2 होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। 12 नंबर क्वेश्चन है, देयर इज अ डाटा ऑफ 20 कंपनीज। 20 कंपनी के डाटा है एमएस एक्सेल में, और कंपनी की शो कर रही है नेम एंड नंबर यूनिट प्रोडक्ट बाय देम। द कंपनीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में वो दिखाना चाहते हैं। विच फंक्शन इज यूज टू अरेंज डाटा अल्फाबेटिकली, मतलब इसमें कौन सा कमांड हम लोग करेंगे कि जिसमें से डाटा जो है ये अल्फाबेटिकली दिखेगा, तो हम करेंगे सॉर्ट कमांड का यूज वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट कमांड टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन एमएस वर्ड। तो कंट्रोल प्लस बड़ी कोस्ट बंद का अगर हम लोग यूज करते हैं तो एक एक साइज फॉन्ट बढ़ते हैं, और कंट्रोल के साथ अगर हम लोग बड़ी कोस्ट खुला का यूज करते हैं तो फॉन्ट की साइज एक एक घटती है। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर के क्वेश्चन में है, बाय व्हिच फंक्शन वी कैन प्रिवेंट एडिशन न्यू रो और कॉलम। मतलब किस फंक्शन के द्वारा न्यू रो और कॉलम को एड नहीं करने देंगे,
इन वर्कशीट विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड, मतलब हम लोग कौन सा ऐसा टैब यूज करेंगे, कमांड को यूज करेंगे जिससे कि हम लोग कोई भी रो और कॉलम को कोई ऐड नहीं कर सके, तो हम लोग उसके शीट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर देंगे। तो ये जाएंगे रिव्यू मेनू में, उसके बाद चेंज ग्रुप में, और वहाँ से हम लोग करेंगे प्रोटेक्ट शीट। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग बुलेट एंड नंबरिंग फंक्शन। बुलेट और नंबरिंग फंक्शन से संबंधित कौन सा कथन है जो इसमें गलत है? तो इसमें न्यूमरिंग, बाय यूजिंग न्यूमरिंग ऑप्शन वी कैन नॉट असाइन अल्फाबेट टू द सिलेक्टेड डाटा। तो 15 का आंसर हो जाएगा एक। 16 में आइए, इन एमएस एक्सेल 2016 व्हिच मेनू टैब कंटेंट्स द लॉक सेल, मतलब किस टैब के अंतर्गत जो है लॉक सेल होता है? तो ये होते हैं होम टैब के अंतर्गत। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड बाय बैंकिंग इंडस्ट्री फॉर वेरीफाइंग द ओरिजिनलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब बैंकिंग इंडस्ट्रीज को वेरीफाई करने के लिए कौन सा इसमें ओरिजिनलिटी होती है डॉक्यूमेंट्स के लिए? तो इसका आंसर होता है MICR। MICR का फुल फॉर्म भी पूछता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, लेकिन एग्जाम में रीडर डाल देगा पहले, रीडर जो होता है गलत होता है। चलिए इसके कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, बोले इनमें से कौन सा स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स नहीं है? लिस्ट, पैरामिड और मैट्रिक्स स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के पार्ट है, ऑब्जेक्ट जो है स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स के पार्ट नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन है, इफ अ फॉर्मूला इज कॉपीड फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, कोई फॉर्मूला को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी किया जाता है, देन विच सिंबल इज यूज्ड फॉर ऑब्सोलीट सेल रेफरेंसिंग इन एमएस एक्सेल, मतलब उस लोकेशन के और स्पेसिफिक सेल के जगह कौन सा ऑब्सोलीटली सेल रह जाता है, वो होता है डॉलर का साइन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ स्लाइड सॉर्टर व्यू में विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विद द सिलेक्टेड स्लाइड, स्लाइड सॉर्टर में कौन सा कार्य परफॉर्म नहीं हो सकता है? 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, एडिंग अ न्यू स्लाइड, बिना किसी स्लाइड सॉर्टर को सिलेक्ट किए हम लोग नया स्लाइड एड नहीं कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से बोल रहा है कौन सा जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसमें से स्पीकर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा जो है वेब ब्राउजर नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ये वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी सारे वेब ब्राउजर हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मिनिमम फंक्शन इन एमएस एक्सेल, मिनिमम फंक्शन एमएस एक्सेल में काउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टू कैलकुलेट मिनिमम वैल्यू फ्रॉम सिलेक्टेड डाटा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 24 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन यूज्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, हम लोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा वर्क करते हैं? तो हम लोग सबसे पहले इसमें डायलअप कनेक्शन बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डायलअप कनेक्शन। चलिए कुछ के फुल फॉर्म देख लेते हैं। SMPT, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जीप जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, पॉप पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। 25 नंबर क्वेश्चन आइए, बाय यूजिंग विच टैब मेनू अ न्यू शीट कैन बी इंसर्टेड इनटू एमएस एक्सेल 2016, हम लोग एमएस एक्सेल में न्यू शीट किस टैब के अंतर्गत इंसर्ट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा होम टैब के अंतर्गत। चलिए 26 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है, हाउ डू वी एड अ ग्राफिक्स और लोगो टू माई टेबल्स इन मेल मर्ज इन एमएस वर्ड 2016, हम लोग ग्राफिक्स और लोगो माई लेबल्स इन मेल मर्ज में कैसे लाते हैं? तो हम लोग करते हैं, क्लिक करेंगे पिक्चर में इन इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑफ द इंसर्ट टैब,
तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए 27 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्ट कोड फॉर रीडू रिपीट ऑपरेशन इन एमएस वर्ड। रीडू का जो काम होता है कंट्रोल वाई से होता है, और अंडू का काम कंट्रोल जेड से, कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है। तो फुल फॉर्म से रिलेटेड अलग ही वीडियो बनाया जाएगा, आप उससे वहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अवेलेबल सेटिंग फॉर प्रिंट फंक्शन इन एमएस वर्ड। ये होता है चेंज द फॉन्ट कलर। प्रिंटिंग फंक्शन में जो है फॉन्ट का कलर हम लोग चेंज नहीं करते हैं, ये हम लोग होम टैब के अंतर्गत करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन इज वर्किंग ऑन 2 MS Excel वर्कबुक, सिमल्टेनियसली ही वांट्स बोथ वर्क इन सिंगल विंडो टू कंपेयर देम, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड। दो काम कर रहे हैं उसको तुलना करना है बोथ वर्कशीट को, तो वो फंक्शन कहाँ यूज करते हैं, अरेंज ऑल इन व्यू टैब के अंतर्गत करते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द पर्पस ऑफ न्यू विंडो ऑप्शन इन व्यू मेनू ऑफ एमएस पावर पॉइंट इज टू। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर एक सेम नया विंडो ओपन करना है तो हम लोग क्या करते हैं एमएस पावर पॉइंट में, तो ओपन द सेम प्रेजेंटेशन इन अनदर विंडो को हम लोग वहां पे यूज करते हैं। चलिए 31 नंबर, फ्रॉम विच मेनू द वर्ड आर्ट सिंबल्स कैन बी एडेड इन एमएस एक्सेल। तो इसका आंसर होगा इंसर्ट टैब के अंतर्गत से हम लोग वर्ड आर्ट के सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ टेक्स्ट इन एमएस एक्सेल। तो हम लोग एमएस एक्सेल में कैसे चेंज कर सकते हैं कलर को, फॉन्ट कलर की सहायता से। अगला 33 नंबर है, फ्रॉम विच मेनू कैन वी एड अ स्प्रेडशीट, हम लोग किस मेनू से स्प्रेडशीट ऐड कर सकते हैं एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट। देखिए 33 नंबर का क्वेश्चन सेट वन में भी बताया गया, इसमें हम लोग इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, इंसर्ट से जाकर टेबल को। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो था किस प्रकार का इनपुट आउटपुट का डिवाइसेस का यूज किया गया था, तो इसका होगा पंच कार्ड का। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच फाइल सॉर्टर व्यू हेल्प्स टू नो द फाइल साइज ऑफ ऑल फाइल्स अलोंग विथ फाइल नेम इन अ फोल्डर। तो इसका आंसर हो जाएगा डिटेल्स में हम लोग जाके चेक कर सकते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, फर्मवेयर इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। फर्मवेयर जो है स्टोर होता है, ये स्टोर होता है रोम में। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लाउडिंग कंप्यूटिंग। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के बारे में कौन सा कथन इसमें सत्य है। इसका देखिए, इट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद फाइल्स प्रोग्राम होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर। ये क्लाउडिंग कंप्यूटिंग हमें इंटरनेट पे फाइल स्टोरेज करने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करवाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन ही वर्क ऑन अ विंडो ओएस, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, द बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन डेस्कटॉप वेयर सिस्टम डेट एंड टाइम इज विजिबल। मतलब डेट एंड टाइम हम लोगों को सिस्टम में कहाँ पे दिखता है, जनरली क्वेश्चन में यही पूछा गया है, तो हम लोगों को दिखता है टास्क बार में। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए मैनेजर इंटर सम डाटा ऑफ हिज कंपनी इन एमएस एक्सेल 2016 वर्कबुक एंड वांट्स टू शो द वर्कबुक हिज सबॉर्डिनेट्स सो दैट दे कैन रीड ओनली दैट वर्कबुक विदाउट मेकिंग एनी चेंज टू इट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस ही शुड यूज। इस क्वेश्चन के थ्रू ये कहना चाह रहा है कि कोई कंपनी का मैनेजर है और वो अपने सहायक को कोई डाटा दिखाना चाहता है लेकिन उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसके लिए वो सिलेक्ट मार्क एज फाइनल इन प्रोटेक्ट वर्क बुक सब मेनू ऑफ फाइल का यूज करेगा।
40 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का क्या पर्पस होता है, कमांड इन एमएस एक्सेल। तो इसका पर्पस होता है एडजस्ट करता है, ये करेगा टू एडजस्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन इन होम टैब ऑफ एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट के होम टैब का कौन सा फंक्शन इसमें नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। स्लाइड डिजाइन। स्लाइड डिजाइन जो है ये खुद का एक टैब है। ए ग्रुप कंसिस्ट ऑफ फाइव आइटम्स, पांच आइटमों का एक ग्रुप है, इज कंट्रीब्यूटिंग सम वैल्यू टू द टोटल वैल्यू ऑफ अ ग्रुप। विच टाइप चार्ट इज मोस्ट सुटेबल सो कंट्रीब्यूटिंग ईच इन परसेंटेज। मतलब पांच आइटम को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है यानी कंट्रीब्यूट किया है, तो उसका पाई चार्ट दिखाना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि पाई चार्ट की मदद से ही क्या होता है, पाई चार्ट की मदद से ही यहाँ पे परसेंटेज के बारे में दिखाया जाता है। 43 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन कैन बी डन यूजिंग द फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल के द्वारा कौन सा फंक्शन डन किया जाता है, ऑप्शन ऑफ होम टैब टू प्रोटेक्ट द वर्कशीट इन एमएस एक्सेल 2016। तो ये प्रोटेक्ट शीट के अंतर्गत होता है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कंपनी ऑफर सिक्स डिफरेंट आइटम्स टू कस्टमर, छह अलग अलग आइटम कस्टमर को दिखाना चाह रहा है। द सेल मैनेजर प्रिपेयर अ स्लाइड फॉर ईच आइटम ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन बिफोर हिज सुपरवाइजर। द सुपरवाइजर वांट्स ऑल साइड्स स्लाइड्स इनटू वन विंडो सो दैट ही मेक कंपैरिजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन सेल्स मैनेजर सेल यूज। ये स्लाइड सॉर्टर की व्यू से दिखा सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेडिकेटेड प्रोटोकॉल ट्रांसफर। लार्ज डाटा ट्रांसफर की जहां भी बात की जाए तो वहां पे आंसर हो जाता है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग मेनू गिव्स द ऑप्शन रिगार्डिंग मूवमेंट बिटवीन स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट। तो हम लोग ये फंक्शन को देखते हैं ट्रांजिशन के अंतर्गत। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू इंक्रीज और डिक्रीज साइज ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल। तो हम लोग इसका करते हैं सिलेक्ट द कॉलम होम टैब सेल फॉर्मेट सेल साइज और कॉलम विड्थ के अनुसार। चलिए 48 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अ वैलिड सेल एड्रेस इन एमएस एक्सेल। कभी भी नंबर डिजिट पहले नहीं आएगा, जब भी आएगा A1, A2, B2 ऐसे करके आता है, तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4F। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द ऑप्शन ऑफ ई पोस्टेज इन एमएस वर्ड 2016 कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम। ये हो जाएगा मेलिंग लेवल्स एंड ई पोस्टेज के अनुसार, ये मेल मर्ज का पार्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इनमें से कौन सा एग्जांपल है, वीएलसी मीडिया प्लेयर जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। जैसे मोबाइल हम लोग परचेज करते हैं, मोबाइल में जो ऐप पहले से डाला हुआ रहता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, और अपनी जरूरत के अनुसार जो डालते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज अ मैट्रिक्स ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट हैविंग 24 सेल्स। चार रो है और 6 कॉलम है। इट इज रिक्वायर्ड टू मर्ज ऑल 6 कॉलम ऑफ ऑल रोज टू मेक न्यू वर्कशीट फोर सेल ओनली। जब बाद में बनेगा तो चार रो और एक कॉलम हो। विच कमांड इज अवेलेबल इन एम एस एक्सेल फॉर दिस पर्पस। तो ये कमांड होता है मर्ज सेल का। अगला 52 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बारे में कौन सा कथन जो इसमें सही है। मशीन लैंग्वेज जो होता है ये लो लेवल लैंग्वेज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लॉजिकल फंक्शन इन फॉर्मूलाज मेनू इन एम एस एक्सेल 2016। इनमें से कौन सा लॉजिकल फंक्शन नहीं है, तो डेट लॉजिकल फंक्शन नहीं है। 54 नंबर देखते हैं, सेल मार्जिन कैन बी सिलेक्टेड इन अ टेबल इन एमएस वर्ड फ्रॉम व्हिच मेनू। सेल मार्जिन जो है हम लोग लाते हैं कहाँ से, लेआउट से। 55 नंबर है,
विच ऑफ द गिवेन ऑप्शन इज शोइंग द डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ मेल मर्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक इन एमएस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की इज यूज्ड। ग्रामर के लिए और स्पेलिंग चेक के लिए किस फंक्शन की का यूज करते हैं हम लोग, F7 का यूज करते हैं। फॉर चेंजिंग आईपी एड्रेस ऑफ कंप्यूटर वी नीड टू राइट क्लिक ऑफ विच ऑफ द ऑप्शन। हम लोगों को जब आईपी एड्रेस बदलना होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं माई नेटवर्क प्लेस पे, माई नेटवर्क प्लेस हम लोग वहाँ से चेंज करते हैं। 58 नंबर है, रजिस्टर इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रजिस्टर्ड किसका पार्ट है, ये जो है रजिस्टर्ड ये प्रोसेसर का पार्ट है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। There is data of marks of 100 students for the year 2018 examination. It required to those student whose marks identical same which function shall be used in MS Excel for this. मतलब बहुत बच्चे का सेम मार्क्स है तो हम लोग उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं या किस फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे sort in home menu से सॉर्ट का यूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस, इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस का वैलिड लूप नहीं है। कोई भी आईपी एड्रेस 4 लेटर से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ पे देखिए ये 4 लेटर से स्टार्ट हुआ इसलिए यहाँ पे वैलिड आईपी एड्रेस नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। आप लोग इससे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इसका बेसिक का जो वीडियो अपलोड किया गया उसे देख लीजिए। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको होम टैब वगैरह के बारे में, सारे होम टैब का वीडियो अलग से बनाया गया है, आप उसे अच्छे से देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।